बीते चुनाव की जब भी बात होती है बरबस लोकसभा चुनाव परिणामों के जिक्र से चर्चा समाप्त हो जाती है। पर ध्यान रहे, इस दौरान चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिनमें सबसे अधिक चर्चा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की रही। आंध्र प्रदेश में तो बस 5 बरस पहले जननायक बनकर उभरे भाई एस जगमोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी का लोकसभा और विधानसभा दोनों में सफाया हो गया। वहीं करीब 2 दशक से उड़ीसा का पर्याय बन चुके नवीन पटनायक और उनकी बीजू दल को प्रदेश में करारी शिकस्त मिले, लेकिन इससे इन दोनों राजनीतिक दलों की ताकत संसद में पूरी तरह समाप्त हुई। जरूर लोकसभा में दोनों पार्टियों के सांसदों की संख्या बड़े पैमाने पर घटी है, लेकिन राज्यसभा में इन दोनों क्षेत्रीय छत्रपों की ताकत जस की तस है। राज्यसभा में YSR कांग्रेस पार्टी के फिलहाल 11 जबकि बीजू जनता दल के 9 सांसद हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के पास संसद के इस उच्च सदन में 10 साल के शासन के बाद भी अपने दम पर कौन कहे। सहयोगियों के सांसदों की संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो बहुमत नहीं है। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इस तरह यहाँ बहुमत के लिए या यूं कहें कि किसी भी बिल को पारित कराने के लिए 123 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। फिलहाल NDA के सभी सहयोगी दलों के राज्यसभा सांसदों की संख्या 117 ही है, जो बहुमत से 6 कम है। ऐसे में बगैर YSR कांग्रेस पार्टी या बीजू जनता दल के लिए भाजपा का कोई बिल उच्च सदन में आसानी से पारित करा पाना आसान नहीं होगा। भाजपा जरूर आने वाले दिनों में खाली हुई कम से कम 6 सीटों को जीतने की स्थिति में है, लेकिन तब भी YSR CP और बीजू जनता दल का समर्थन उसे मजबूत बनाएगा। BJD YSR CP का समर्थन नहीं होगा आसान। बीजू जनता दल ने तो जो राज्यसभा को लेकर अपनी स्थिति तब तक साफ नहीं की है, लेकिन YSR CP ने कहा कि वो मुद्दों के आधार पर सदन में अपना रुख तय करेंगे। YSR कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में हुई हिंसा के आंकड़े जुटाने का केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। ऐसा कहते हुए YSR कांग्रेस पार्टी N चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी पर संगीन आरोप लगा रही है। चूंकि TDP के समर्थन में ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है, मोदी सरकार के लिए YSR CP की बातों को मानना आसान नहीं होगा। बीजू जनता दल ने अभी तक राज्यसभा में अपनी रणनीति को लेकर कुछ कहा नहीं है, लेकिन उड़ीसा की राजनीति में भाजपा की सरकार का विरोध करना और केंद्र में पहले की तरह मोदी सरकार को बेशर्त समर्थन देना बीजेपी के लिए मुश्किल है। ऐसे में एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता जैसे विवादास्पद विषयों पर दोनों का रुख सदन में बहुत कुछ तय करेगा। राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के मौजूदा सांसदों की संख्या 80 है, जबकि कुल 33 सांसद ऐसे हैं जो ना तो NDA के समर्थन में हैं और ना ही इंडिया ब्लॉक के। इंडिया ब्लॉक के 80 सांसदों में 26 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस की MP की संख्या की 13 है। दिल्ली और पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु में सरकार चला रही DMK के राज्यसभा सांसदों की संख्या 10-10 है। इस तरह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद 5-5 हैं। ये सभी विपक्ष में हैं, पर तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति के 5 सांसद हैं। और BRS का ना तो भाजपा की अगुवाई वाली NDA को समर्थन है और ना ही कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया ब्लॉक को। BRS की तरह ही YSR कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल की रणनीति साफ है। ये दल क्या रुख किसी मुद्दे पर अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।